जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं भारत साइकिल यात्रा जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं भारत साइकिल यात्री अपने जर्नी के छठवें राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में इस वक्त हूँ और मैं आपको कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ व्यू यहाँ का जो है इस प्रकार से है, देख सकते हैं। ये जो है समुद्र है और रामेश्वरम इसके जस्ट उस पार है और ये जो पुल है इसको क्रॉस करके चलना पड़ता है। और देख सकते हैं यहाँ पर फिशिंग जो है हो रहा है, काफी सारा बोर्ड है, यहाँ फिशिंग हार्बर है और इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। देख लीजिए ये जो है पूरा पीछे इधर समुद्र है और मैं ये पुल क्रॉस करके जा रहा हूँ रामेश्वरम में। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि हम लोग समुद्र क्रॉस करके रामेश्वरम में एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करके एक छोटा सा द्वीप का मजा ले रहे हैं करके, आइलैंड का मजा ले रहे हैं करके बोल सकते हैं। तो मैं चलिए मैं आपको ले जाता हूँ, इस तरीके से जाना पड़ेगा हमको। आपको ले जाता हूँ कहाँ, रामेश्वरम, और रामेश्वरम के कुछ चुनिंदा जगह पर आपको सैर करवाता हूँ। तब तक ले मेरे वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल में कुछ इस तरह के नए वीडियो पाने के लिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर आप तो विजिट करवाते हैं नेक्स्ट प्लेस। इस रास्ते से चलते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ पर और ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम का नेशनल मेमोरियल प्लेस है ये। और यहाँ मैं विजिट किया इसके अंदर में, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है और यहाँ विजिट करने का कोई चार्जेस भी नहीं है। और यहाँ का जो मेन चीज़ है वो जो जितने भी कलाम जी ने उनके जीवन काल में जो कुछ भी किया है वो सारा चीज़ का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसका हिस्ट्री जानने को मिल जाएगा। और देख सकते हैं लोग यहाँ कैसे फोटो का मज़ा ले रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ है ये और इसी के जस्ट सामने अगर आप अकेले आए हैं जैसे मैं आया हूँ, वैसे अगर आप अकेले आए हैं तो सामने में यहाँ मैंने अपने मोबाइल वगैरह को लॉकर में दिया था। यहाँ पास अच्छा है, सुविधा है और इधर आपको पार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पार्किंग का भी सुविधा नहीं है, आसपास जो जगह है वहाँ पार्किंग लगाना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहाँ हमने विजिट किया और बहुत कुछ है सीखने के लिए, अच्छा चीज़ है। और यहाँ भी आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं और कुछ इस तरीके का पाइनएप्पल खाने को आसपास में आपको मिल जाता है। और मेरा जो साइकिल खड़ा है उसे तो यहाँ पर है और इस रास्ते से होके मैं श्रीलंका का बॉर्डर छू के आना है मुझे। तो अभी मेरे को 4-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मैं सी के एकदम किनारे हूँ, मैंने समुद्र किनारे में हूँ और बस इसी रास्ते से निकल रहा हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, आगे कुछ भी बनता है तो आपको दिखाता हूँ। तो हे गाइस, अभी इस वक्त आ गए हैं एक और जगह पे और ये रामेश्वरम ही है और ये एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है। मैंने 7-8 किलोमीटर राइड करके आ गए एक नई व्यू पॉइंट पे। देख सकते हैं यहाँ पास कितना खूबसूरत नज़ारा है और वहाँ एक बोट भी चल रहा है यहाँ पास और इधर काफ़ी सारे फिशिंग बोट भी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से और बहुत ही बेहतरीन व्यू है और यहाँ कुछ फिशरमैन बैठे हुए हैं। और इस तरीके से मैं अभी अंदर आया हूँ और ये देख सकते हैं एक छोटा सा कुआं भी है यहाँ पास और बहुत बेहतरीन व्यू है यहाँ का। और इसी तरीके से व्यू एंजॉय करने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं क्योंकि मैं ऑल इंडिया साइकिल राइडिंग कर रहा हूँ और इस तरीके का लोकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगा। और यहाँ की खास चीज़ ये है, देखो कितना खूबसूरत है, मतलब ये पानी इतना क्लीन है ना कि मतलब आप अंदर का कुछ भी चीज़ देख सकते हैं। इस साइड से आपको थोड़ा सा दिखाया मैं, आपको ले चलता हूँ इधर थोड़ा सा, देखिए बहुत ज़्यादा क्लीन है ये पानी, इसमें नहाने का मज़ा ही कुछ और रहेगा भाई। देखिए कितना क्लीन वाटर है, बहुत ही क्लीन वाटर है ये। तो ये रहा
अपना समुंदर। चलिए